तो फाइनली आपने इस वीडियो को ढूंढ ही लिया, तो आपको बहुत सारी बधाई है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना ज्यादातर लोग तो अपना समय वेस्ट ही करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम इंडक्शन मोटर के दो इंपोर्टेंट टाइप्स मींस दो इंपोर्टेंट रोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां हम डिटेल में समझेंगे स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। मींस हम समझेंगे कैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से बेटर है, या फिर स्लिप रिंग में ऐसा हम क्या करते हैं जो कि स्क्वायरल केज के लो स्टार्टिंग टॉर्क के प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर देता है। तो आइए स्टूडेंट, अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके पास ऐसे चार क्वेश्चंस होंगे जो कि एसएससी आरआरबी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में मिलेंगे और जिनका आंसर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायरल केज के बारे में। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको स्क्वायरल केज और इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करता, लेकिन मैंने कोशिश की कि पहले मैं थोड़ा सा स्क्वायरल केज का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ दो शब्द है, पहला है केज और दूसरा है स्क्वायरल। हम सब जानते हैं स्क्वायरल का हिंदी में मतलब होता है गिलहरी और केज का मतलब होता है जाली। यहाँ मैं स्क्वायरल को गिलहरी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्क्वायरल को मैं रिलेट कर रहा हूँ एक ऐसे केज से, एक ऐसे जाली से जो की कम्प्लीटली पैक्ड है। वैसे ही आप देख रहे होंगे स्क्वायरल केज रोटर पिंजरे की तरह दिख रहा है, जहां पे हम नॉर्मल वाइंडिंग की जगह पे रोटर के बास लगाते हैं, क्योंकि ये रोटर स्टार्टिंग टाइम में रेटेड करंट से 5 से 6 गुना ज्यादा करंट कंज्यूम करता है, और 5 से 6 गुना ज्यादा करंट कंज्यूम करने की वजह से हेवी वाइंडिंग की जरूरत यहाँ पड़ती है। दूसरा, यहाँ हम रोटर के बार्स को यानी वाइंडिंग को परमानेंटली शॉर्ट कर देते हैं एंड रिंग से। ये एंड रिंग उसी मटेरियल के बने होते हैं जिस मटेरियल से रोटर का बार बना होता है। और सबसे इंपोर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ रोटर का बार यानी वाइंडिंग थोड़ी सी स्क्यूड है, थोड़ी सी तिरछी है, यानी ऐसा लग रहा है हमने दोनों चक्कों को पकड़ के विपरीत दिशा में घुमा दिया है। ऐसा करने से मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट, स्क्वायरल केज को और डिटेल में हम समझते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में आप देखेंगे स्क्वायरल केज की वाइंडिंग है जो कि स्क्यूड है, जिसको हम रोटर का बार या कंडक्टर बोलेंगे। ये एंड रिंग है जिनको यूज करके हम रोटर के बार को परमानेंटली शॉर्ट सर्किट करते हैं, और ये एक्सटर्नल पार्ट यानी शाफ्ट है जिससे हम एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं। स्टूडेंट, आपने अगर पतंग उड़ाया होगा तो पतंग का धागा जिसमें लपेटते तो उसको हम चरखी बोलते हैं, और चरखी और ये स्क्वायर केज रोटर दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, जिससे वहां चरखी में दो चक्के होते हैं, यहाँ पे एंड रिंग्स हैं, और जैसे चरखी में वो लोहे की या फिर बांस की जो कमंचिया लगाते हैं वो यहाँ पे कॉपर के बार्स है। तो इस तरीके से आप पतंग उड़ाने वाली चरखी को इमेजिन करके स्क्वायरल केज रोटर को आसानी से समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम स्लिप रिंग इंडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लास्ट में हम डिटेल में दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्लिप रिंग रोटर की बात कर लेते हैं। जैसे इसका नाम है स्लिप रिंग रोटर, मीन्स यहाँ पे रिंग्स बनी होती है, और वो रिंग उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल का वाइंडिंग होता है। यानी ये तीन रिंग हमें दिख रही है, क्योंकि हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, और जिसको हम रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ कनेक्शन करने के पीछे रीजन बहुत सिंपल है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कभी भी परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता है, इसीलिए हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू इसको हम शॉर्ट करते हैं, और वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए और स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब स्टूडेंट, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये स्टेटर है जिसको हमने 3 फेज सप्लाई दिया, ये मेरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है जो कि परमानेंटली शॉर्ट सर्किट नहीं होता, बल्कि इसको हम स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। ये वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जिसको हम स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए और स्टार्टिंग करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जब ये स्टार्ट पोजिशन पे होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी सर्किट में, और जैसे जैसे रन करेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू कट होगी, और फाइनली एट द टाइम ऑफ रनिंग हम रोटर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को टोटली रिमूव कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। अब स्टूडेंट, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो था कंपैरिजन बिटवीन स्लिप स्क्वायरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग और वाउंड रोटर। सबसे पहला कंपैरिजन है कि स्क्वायरल केज रोटर में हम रोटर की वाइंडिंग्स को यानी कॉपर के बार्स को परमानेंटली शॉर्ट सर्किट करते हैं बाय द एंड रिंग, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट नहीं होता, बल्कि हम स्लिप रिंग के थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से सर्किट को कंप्लीट करते हैं, और रेसिस्टेंस की वैल्यू हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए और करंट को मिनिमाइज करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्वायरल केज वाइंडिंग में हम कन्वेंशनल वाइंडिंग नहीं करके, जबकि हम कॉपर के बार्स लगाते हैं, और ये बार्स परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं एंड रिंग से, और एंड रिंग भी उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल की वाइंडिंग होती है।
जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टूडेंट हम थ्री फेज कन्वेंशनल वाइंडिंग करते हैं, जो कि जैसा बाकी अदर मोटर्स में हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोस्पेक्टिव से बोलूं तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, क्योंकि कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग की जरूरत नहीं है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस की जरूरत है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो है और स्टार्टिंग टॉर्क हाई करने के लिए रेटेड करंट से 5 से 6 गुना ज्यादा करंट कंज्यूम करता है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करके इंप्रूव कर दिया है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क हम एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होता है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम यूज करके हम उसके स्टार्टिंग टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कोई एक्सटर्नल पार्ट नहीं होने की वजह से उसमें मेंटेनेंस की वैल्यू काफी कम होती है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कार्बन ब्रशेस और स्लिप रिंग होने की वजह से प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम जनरली नो लोड पे ये स्टार्टिंग करने को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब हम इसको लोडेड कंडीशन में स्टार्ट करेंगे तो ये फुल लोड करंट से 5 से 6 गुना ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम पार्शियल लोड पे स्टार्ट आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नीडिंग है तो हम इसको लोडेड कंडीशन में ऑपरेट करेंगे, अदरवाइज इसको भी हम पार्शियल लोड पे स्टार्ट करना ही प्रेफर करते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से हम इसके स्पीड को कंट्रोल रेसिस्टेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हम स्पीड हमेशा स्टेटर साइड से कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर रेसिस्टेंस ऐड करने की वजह से हम स्पीड को आसानी से रेसिस्टेंस की वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे करंट चेंज होगा और पैरेलली टॉर्क भी चेंज होगी। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में लो रेसिस्टेंस की वैल्यू होने की वजह से कॉपर लॉसेस भी मिनिमम होगा, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने ऐड किया स्टार्टिंग के टाइम में तो कॉपर लॉस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर लॉस कम है स्क्वायरल केज में तो एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, जबकि स्लिप रिंग में एफिशिएंसी की वैल्यू लो होगी। और सबसे लास्ट, पावर फैक्टर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का लो होता है, क्योंकि मेजरली इंडक्टिव पार्ट है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रेसिस्टेंस को ऐड करने की वजह से इसका पावर फैक्टर स्क्वायरल केज से कंपैरेटिवली बेटर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।